हाय दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्लास्टर करने से पहले डोर्स और विंडो की फ्रेम हम पहले क्यों लगाते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे वीडियो में देख सकते हैं कि हमारी जो डोर की फ्रेम जो लगी हुई है वो दोस्तों हमारी आधा आधा ही जितनी दीवार से बाहर है। तो दोस्तों, हमारी दोनों साइड है वो आधा इंच बाहर रखेंगे, क्योंकि हम प्लास्टर करते वक्त हमारा जो प्लास्टर है उसकी आधा इंच के लेवल में आ जाए और डोर की जो फ्रेम है उसकी उसको फ्लस हो जाए। अब आप विंडो में भी देख सकते हैं कि हमने नौकी दीवार है वहाँ पे हमारी दोस्तों हमारी 10 इंच की फ्रेम लगेगी और आधा आधा इंच बाहर रहेगा। तो आप यहाँ पर विंडो में देख सकते हैं कि हमने विंडो में भी आधा इंच बाहर रखा है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो प्लास्टर लगेगा वो हमारे विंडो के बराबर मतलब फ्लस हो जाए और दोस्तों हमारा जो प्लास्टर है वो अंदर बाहर ना दिखे। तो आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं कि हमारी जो विंडो की फ्रेम लगी है वो हमारी पार्टीशन वॉल है, इसलिए हमारी 6 इंच का पट्टा लगेगा चारों साइड और हम आधा आधा इंच बाहर छोड़ देंगे। और दोस्तों, हम जब पत्थर बिठाते हैं उससे पहले हम ये बेस में जो हम लेवल लेके सभी डोर पे ये घुमा देते हैं और उसका ऐसे लेवल निकालते हैं और इसका बेस बनाते हैं। डोर लगाने से पहले जो उसका साइड का जो फ्रेम लगता है वो दोस्तों इस प्रकार से हम लेवल करते हैं, आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। और ये दरवाजे की फ्रेम जो होती है वो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डबल पट्टी में बिठाई हुई है। एक पार्टीशन वॉल है मतलब 1.5 की और 3.5 की ऐसे दो पट्टी बिठाएंगे और एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर टेढ़ी जितना चढ़ावा आ जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये पत्थर के ऊपर चिपकाने के लिए हम एरोलाइट भी आता है और ये दूसरा पॉन टाइंड है पीडी लाइट का। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको हम बराबर मिक्स करके पत्थर के ऊपर लगा के रेती छिड़कते हैं और दोस्तों ऐसा रफली उसको बनाते हैं और फिर लगाते हैं दरवाजे में।